अम्बाला सांसद रतनलाल कटारिया ने पिंजौर में कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणियां गलत हैं। पूर्व केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री एवं अम्बाला लोकसभा से सांसद रतनलाल कटारिया ने रविवार को पिंजौर में कहा कि हर रोज राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणियाँ करना गलत है और लगता है कि राहुल गांधी ने अतीत से कोई सबक नहीं लिया है और हर रोज़ कोई ना कोई टिप्पणी करते हैं जिससे विदेशों में भारत की छवि खराब हो रही है। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और लालू व अन्यों को भगवान से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में कहा कि प्रजातंत्र, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधानपालिका का गला घोंटा जा रहा है, जो कि बोलना गलत है, जिससे भारत विरोधी ताकतों को प्रेस बोलने का भी कॉन्फ्रेंस मौका में मिलता है। हाथ जोड़कर भगवान से रतनलाल कटारिया ये भी प्रार्थना कर रहा है कि ए प्रभु, इस राहुल गांधी को, इस सोनिया गांधी को और ये जितने लालू बालू टालू चालू पालू जितने भी हैं, इन सब को सद्बुद्धि दे, ये अपनी पार्टी चलाएं, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ें, अपने काम को बढ़ाएं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसे बेहुदा नारे ना लगाएं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जैसे जैसे वो ये नारा लगाते हैं, इनकी कब्र खुदती चली जाती है। आज इनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, ये भी एक स्पष्ट मैसेज सारे देश में है। राहुल गांधी जी ने अतीत से कोई सबक नहीं लिया है और हर रोज कोई ना कोई ऐसी टिप्पणियां करते रहते हैं जिससे भारत की छवि विदेशों में खराब होती है। अब लंदन के अंदर जाकर भारत के प्रजातंत्र को गालियां देना, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बातें करना, मोदी जी को डिक्टेटर कहना और बाहर विदेशों में जाकर ये कहना कि मोदी सरकार न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधानपालिका का गला घोट रही है, ये उनकी सारी ऐसी हरकतें हैं जिससे अब विदेश के लोग भी भारत के अंदरूनी मसलों में दखल देने की बात सोचते हैं।